गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सेवन बेटा आपको साइंस अब से मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप साइंस में कुछ चैप्टर का एक्सप्लेन आपके आपको इसलिए बता मैम कर चुकी है, उसके आगे जहां से पढ़ाना है वहां से मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपकी हेडिंग है जो एक्सप्लेन करनी है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यानी कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां, पोषण की अन्य विधियां, जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें पोषण किस तरह से होता है उसकी विधियों के बारे में इस वीडियो में आप आज आप पढ़ेंगे, ठीक है। किस कौन कौन से मेथड से उसमें पोषण होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन किस मेथड से होता है, ठीक है। दिया हुआ, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कह रहे कुछ पादप या कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, सबसे पहले वर्ड आया तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल होता क्या है बेटा, जो लीव्स का आपका ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। अगर क्लोरोफिल उसमें नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, या तो वो येलो हो जाता है, उसके बाद वो बेकार होकर गिर जाता है पत्ता, ठीक है। फिर दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, कह रहा है कि वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, यानी ठीक है, जब उनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक है। जब खाना नहीं बना पाएंगे तो वो उसको खाएंगे कैसे, ठीक है, संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशंस, कह रहे हैं वो किस तरह से जीवित रहते हैं और वो अपना भोजन जो होता है किस प्रकार प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो जीवित किस तरह से रहते हैं और अपना भोजन किस तरह से प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स, जैसे कि आपका ह्यूमन होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो आपके होते हैं क्या होता है कि ये अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते, या तो हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर हम क्या होता है कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। सेम थिंग एनिमल्स के साथ होती है, जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ठीक है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। सेम हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके बाद बोला गया है दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, विषम पोषी प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, विषम पोषी प्रणाली, यानी कि दूसरों पे डिपेंड होना, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड होकर हम भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं विषम पोषी प्रणाली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी ए येलो वेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 1.5 में आपको दिखाया गया है, देखिए 1.5 फिगर में इसमें आपको दिखाया गया है किस तरह से येलो जो है येलो कलर का एक मतलब कि रेशा है वो पूरे प्लांट्स के चारों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, संरचना दिखाई दे रही है कि प्लांट्स के चारों तरफ लगे हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अमर वेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें ना तो इसकी लीव्स हमें दिखाई देती है, सिर्फ क्या होता है कि एक स्ट्रेस दिखाई देता है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा लगा हुआ है। अमर वेल जो होता है उसका कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है, और क्या होता है बेटा कि इसमें आपको लीव्स नहीं होती, ना लीव्स दिखाई देता है, ना ही इसकी दूसरी ब्रांचेस दिखाई देती है कि नहीं यहां से शाखाएं निकल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उसे पतला एक रेशा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है दिस इज अ प्लांट कॉल केस्कटा, यानी कि अमरवेल, इसको हम क्या बोलते हैं, केस्कटा यानी कि अमरवेल बोलते हैं, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें जो होता है वो क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इज क्लाइमिंग, ये क्या करता है, जो अपना भोजन होता है वो दूसरों से रेडीमेड यानी कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ के उनमें छेल के उनका क्या करता है कि भोजन लेता है, ठीक है। ये क्या होता है, अपने भोजन के लिए दूसरों पे होता है, पादप से दूसरे पेड़ों से ही प्राप्त करता है, ठीक है। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स आर कॉल्ड द होस्ट, जिस पे ये चढ़ता है, कह रहा है कि जिस पे ये आरोहित होता है चढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपोषी कहलाते हैं, ठीक है, परपोषी बोलते हैं। सिंस इट्स रिप्राइज द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स कलकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट,
कह रहा है कि जो ये आपका पादप होता है यानी कि अमरबेल होता है, जैसे ही दूसरों पे चढ़ता है तो वो क्या होते हैं कि उन्हें परजीवी बोलते हैं, यानी कि दूसरों पे डिपेंड होना, ठीक है, परजीवी बोलते हैं इसे, पैरासाइट यानी कि परजीवी बोलते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, इस तरह से अदर एनिमल्स और प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। You should think about it and discuss with your teacher. इसके बारे में जैसे आपके ह्यूमन बींग हो गया, हम लोग क्या अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं, हम लोग अगर खाना बनाते हैं, जैसे कि आपको अगर गेहूं चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, आटा हमें गेहूं से मिलता है, गेहूं किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है, यानी कि हम खुद जाके नहीं बनाते, हम प्लांट्स पे डिपेंड है। जब हमें प्लांट्स जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो प्लांट से लेते हैं, जब हमें फ्रूट्स प्लांट से मिलते हैं उसके बाद ही उसे हम खा पाते हैं, ठीक है। इस तरह एग वगैरह जो होता है ये सारे हमें किससे मिलता है? हैंड से मिलता है। मीट वगैरह एनिमल से प्राप्त करते हैं, यानी कि हम अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ठीक है, हम या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल्स पे। सेम एनिमल्स भी होते हैं, जो आपके एनिमल्स होते हैं वो भी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं या फिर प्लांट्स पे, ठीक है। जो आपके हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो आपके दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, और जो ओमनिवोरस होते हैं वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स अदर एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया हैव यू सीन और हैड ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कह रहे हैं कि दैट ईट एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, कीट बच्ची जिसको हिंदी बोलते हैं, कीट बच्ची बोलते हैं, ठीक है, वो अब जंतुओं का भी बच्चर करते हैं, जैसे कि और देर आर अ प्लांट्स फ्यू विच कैन ट्रिप्स इंसेक्ट एंड डिजर्ट देम, इस तरह कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ मतलब सुना है कि हम लोग क्या होते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, बात बिल्कुल सही है, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह इन सबको खाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इट इज नॉट अमेजिंग सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो जाते हैं, ठीक है, अदर कलर के भी होते हैं। कह रहे हैं कि उसके बाद है लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6, यहाँ पे 1.6 में एक प्लांट्स दिया हुआ है, इसको देखना है, देखिए इस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर, इस तरह से बना हुआ है, दिख रहा है सबको, इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये जो ऐसा एक प्लांट है जो दूसरे इंसेक्ट को खा जाता है, ठीक है। उसके बाद द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ अ लीफ, जो इसमें जग की तरह बना हुआ है ये क्या कर रहा है, ये एक लीफ के पार्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है। द अपेक्स ऑफ लीव्स फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जैसे ही ओपन होता है, जैसे ही इसके अंदर कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो ये क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है, जब क्लोज हो जाता है तो इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है, जब फंस जाता है तो वो मर जाता है, ठीक है। इस तरह से ये जो आपका प्लांट्स होता है ये दूसरे इंसेक्ट को ही खाता है, ठीक है। इनसाइड द पिक्चर्स आर देयर हेयर एंड द डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर्स द लिड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटर्ड इन टू द एयर, कह रहा है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट, जो मैंने बात बताया सेम वही रिपीट किया गया, जैसे कोई इंसेक्ट इसके बीच में आके फंस जाता है, बैठता है, तो ये धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है। और बंद होने के बाद क्या होता है कि उसको मतलब कि मार देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये उसको खाता है। इसके बाद बोला गया है दैट क्लोज एंड द इंसेक्ट ट्रैप, वो बंद हो जाता है और उसके अंदर जो आपका इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, वो क्या होता है कि पूरा फंस जाता है, ठीक है, ट्रैप यानी कि फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट इन द पिक्चर्स एंड द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवियस प्लांट्स, कह रहे हैं कि इस तरह से क्या होता है, कीटों का बच्छड़ करने वाले ऐसे पादप को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कीट भक्षी पादप, यानी कि जो दूसरे कीटों को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कीट भक्षी पादप, ठीक है, इन्हें हम कीट भक्षी पादप बोलते हैं। इसके बाद जो आपका जो है हेडिंग, वो इसके बाद बेटा हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए आपकी सिर्फ एक ही हेडिंग थी, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। इसी जो मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप लोग करके लाने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट आर द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस
इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, पौधों में पोषण के अन्य तरीके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इंसेक्टिवेडियस प्लांट्स, यानी कि पक्षी पादप किसे कहते हैं। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लिख के मुझे कल दिखाओगे, ठीक है। और जो मैंने जितना पढ़ाया है ये आपको पढ़ना भी है, ओके क्लास।